when the two particles will overtake each other, or us case mein I didn't take any acceleration of those bodies or those particles. अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए सर, मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, ये वाला जो पार्टिकल है आगे वाला, दिस इज गोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकंड, दिस पार्टिकल इज बी एंड दिस पार्टिकल इज ए, दिस गोज विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड इट्स एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. The initial separation between the two particles, इन दोनों पार्टिकल के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है, लेट दैट बी 400 मीटर. शिफत, क्या ये वाला जो पार्टिकल है ए, विल इट बी एबल टू क्रॉस बी और नॉट? नहीं. क्यों? बी की ज्यादा है ना स्पीड. ठीक है, स्पीड ज्यादा है. अच्छा, इसमें एक और बात समझते हैं, शायद आपको समझ आए. इसकी एक्सेलेरेशन जीरो है. अच्छा. और पीछे वाले की एक्सेलेरेशन टू है. अभी भी ओवरटेक कर पाएगा या नहीं? कर पाएगा बिकॉज पीछे वाले का वेलोसिटी भले कम है, बट दैट वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू इंक्रीज विद टाइम बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग. एक्सेलेरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो एक्सेलेरेशन है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी विद टाइम विल बी इंक्रीजिंग. और जो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी टाइम पे ए की वेलोसिटी 20 से ज्यादा हो जाएगी. इट विल बिकम ग्रेटर देन दैट ऑफ 20. तो आपका क्वेश्चन वही है, व्हेन एंड वेयर. ए विल ओवरटेक बी, कब और कहां ए बी को ओवरटेक करेगा? अब देखो, मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं आपके लिए, उसके बाद आप ट्राई करना. सर, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि हम जब भी एक से ज्यादा पार्टिकल होता है, मतलब दो पार्टिकल्स हों, दो बॉडीज हों, तो उस केस में जनरली हम क्या करते हैं, जनरली वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आउट ऑफ द टू बॉडीज, दो बॉडीज में से किसी एक बॉडी को या किसी एक पार्टिकल को आप अपना ऑब्जर्वर बना लो, ठीक है? मतलब आउट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के जो है, इन दोनों के में से किसी एक को अपना ऑब्जर्वर बना लो. और जिसको आप ऑब्जर्वर बनाओगे, याद रखो शिफत, कि दैट पार्टिकल और दैट बॉडी विल बी एट रेस्ट फॉर यू. तो मान लो कि हमने बी को अपना ऑब्जर्वर बना लिया, मान लो यू कैन मेक आइदर ए एज योर ऑब्जर्वर और बी एज योर ऑब्जर्वर. तो अगर आपने बी को अपना ऑब्जर्वर बना लिया सर, इफ यू मेड बी एज योर ऑब्जर्वर, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि सर, हमें सारी चीजें, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए वो भी बी के रेस्पेक्ट में लिखनी पड़ेगी, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे. एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट विल आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल आल्सो बी रिटन विद रेस्पेक्ट टू बी. तो यहां पर देखिए सर, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विच इज योर रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, एंड दैट इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इज व्हाट? तो दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली विथ अ नेगेटिव साइन. इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी योर रिलेटिव एक्सेलरेशन, and that relative acceleration will be written as equal to a ka acceleration 2, b ka acceleration kuch hai hi nahi, so 2 minus of 0 that is equal to 2 meter per second square. theek hai, what is the relative displacement? aapne bola ki b aapke liye rest mein hai, only a is moving towards you. to b agar rest mein hai aur sirf a aapke paas pahunch raha hai, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 400 मीटर, तभी तो ए बी के पास पहुंच सकता है. अब पॉइंट ये कि इस 400 मीटर को कवर करने में व्हाट विल बी द टाइम टेकन? तो क्या हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, एक्स रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ऑफ हाफ इनटू ए रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर्ड. हां, ए बी मेरे पास है.
यू रिलेटिव की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस ऑफ हाफ इनटू रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 2 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर्ड, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी टी स्क्वायर माइनस ऑफ 10 टी माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे जी? बिल्कुल, टी की दो वैल्यू निकालेंगे और इसमें अगर आप दो वैल्यूज निकालते हैं तो देखिए क्या क्या होगी दो वैल्यूज। पहली वैल्यू जो आप निकालेंगी दैट विल बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम इक्वल टू प्लस ऑफ 10। उसके बाद आप लिखेंगी माइनस ऑफ माइनस बी माइनस 4, तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक आता है प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, दो रूट्स तो दो इक्वेशंस, तो यहाँ पर आप माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा ये, माइनस ऑफ 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, मतलब ए किसके साथ बताया था जिसका वैल्यू क्वाड्रेटिक हो है ना, जिसके साथ स्क्वायर हो, तो 4 इंटू ए, ए की वैल्यू 1 इंटू सी, सी की वैल्यू माइनस ऑफ 400 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 1, ठीक है, तो 16 एक 17 बहुत गंदा सा ये रिजल्ट बनेगा। खैर तो टी की वैल्यू अगर आप देखें तो टी 10 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1700 डिवाइडेड बाय 2। एक बात तो क्लियर है, क्या नाम है आपका, शिफत, एक बात तो ऑब्वियस है कि अगर हम रूट अंडर 1700 का रूट लेते हैं तो रूट 1700 का रूट अल्टीमेटली वो 10 से तो बड़ा ही आएगा, सोचिए, तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम का वैल्यू आएगा वट एवर बी दिस वैल्यू, ये वैल्यू निगेटिव आएगी है ना, और बेटे याद रखो कि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ये वाला रूट हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ये नेगेटिव नहीं आता तो इट शुड हैव बीन कंसीडर्ड, बट बिकॉज इट इज नेगेटिव इट विल नॉट बी कंसीडर्ड। अच्छा दूसरा क्या केस होगा, दूसरा केस होगा 10 बस माइनस की जगह आ जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 1700 डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर प्लस है तो अंडर रूट 1700 10 से ग्रेटर होगा ऑब्वियसली, and that value plus 10 divided by 2 is the time, so this value will obviously be positive, aur ye value positive hai isliye yahi time ki value hogi, matlab this is the time after which body A will overtake body B, theek samajh gayi ji? अच्छा इसी में when and where, तो when तो आपने निकाल लिया कि मतलब कब, मतलब टाइम, और where मतलब कहाँ है ना, कहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे, तो let us talk about that, कहाँ पे बीप ही करेंगे ना, अच्छा नहीं बीट करेंगे उसको, नहीं मतलब क्वेश्चन के साथ उसके लिए तो वो रेस्ट पे है ना, obviously it appears to be at rest with respect to one of the body, but actually कोई भी रेस्ट में है या दोनों ही चल रहे हैं? दोनों ही चल रहे हैं। तो जब भी देखो टाइम निकालना हो ना, तो टाइम निकालने के लिए तो यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, टाइम अगर आपको निकालना है तो यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, बिकॉज टाइम विल ऑलवेज रिमेन सेम चाहे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई सा भी हो, ठीक है, बट वेयर का मतलब कहां, जब ये आ जाए कि क्वेश्चन में कहां ये निकालना है तो फिर आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, द रीजन बीइंग कि कहां के लिए अगर आप दो बॉडी में से किसी एक बॉडी को रेस्ट में अज्यूम कर लोगे, जाहिर है कि उसी के रेस्पेक्ट में सब कुछ लिखोगे आप रिलेटिव वैल्यूज, तो जिसको आप रेस्ट में अज्यूम कर लोगे तो इसका मतलब है कि आपके लिए तो दोनों कोलिजन यहीं पर हो रहा है, मतलब बी पॉइंट पे हो रहा है, मतलब ए बी पॉइंट पे चल के पहुंच रहा है डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, बट फैक्ट क्या है कि ए और बी यहीं पे ओवरटेक होंगे या बी भी तो चल रहा है ना सर, तो बी भी तो इस प्रोसेस में कहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी भी पोजीशन चेंज होगी, तो ये जो पोजीशन आप निकालेंगे दैट विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा काम हम ये कर सकते हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि इतने टाइम में बी कितना चला होगा,
तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, और बी का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, गंदा सा एक रिजल्ट बनेगा, बट फिर भी आप इस बात को समझे, बी का डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, कितनी देर में, इतनी देर में, जितनी देर में ओवरटेक हुआ है, तो अगर वो लिखा जाए तो ये लिखेंगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज बी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो ऑब्वियस ही बात है कि हम यहाँ पर एक्स बी को लिख सकते हैं 10 plus 2 1700 by 2 10 into 10 plus of under root of 1700 divided by 2. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कैन बी रिटन एज इक्वल टू ये वाला 10 हो जाएगा, तो 100 प्लस ऑफ 10 रूट अंडर 1700 ऐसा लिख सकते हैं. मतलब दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन द टाइम इन विच ए विल ओवरटेक बी. ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी. तो ए कितना ट्रेवल करेगा, तो ऑब्वियसली ए वाज 400 मीटर बिहाइंड बी, तो ए कितना ट्रेवल करेगा, तो ऑब्वियसली 400 प्लस दिस मच ऑफ डिस्टेंस व्हिच इज कवर्ड बाय बी. अगर ए बी को ओवरटेक करना चाहता है तो पहले तो ये 400 कवर करेगा प्लस उतना डिस्टेंस साथ-साथ कवर करेगा जितना बी कवर कर रहा है. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पोजीशन at which the overtake will be taking place. And to find the time, we apply the concept of relative velocity, and to find the position, we will again have to observe the bodies with respect to the ground. ऐसे ही क्वेश्चन आप ट्राई करिए. देखो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ए की वैल्यू वेलोसिटी की 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बी का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज 200 मीटर. आपको ये बताना है कि कब और कहां मिलेंगे.
हो गया शिपात? नहीं अभी इक्वेशन निकले, बस अब वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है ठीक है, टेक योर टाइम। चलो मैं भी करता हूँ। देखो फिर से टेक एनी वन ऑफ योर ऑब्जर्वर, मतलब ए और बी में से किसी एक को आप ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट कर लो, तो आपकी मर्जी है। इस बार ना मैं एक ऑब्जर्वर मान रहा हूँ ताकि आपको दोनों तरीके से बात समझ आ जाए। अगर मैंने एक ऑब्जर्वर मान लिया तो ए विल बी एट रेस्ट एंड बी वुड बी गोइंग बैकवर्ड्स टू मीट ए, राइट? जब बी ओवरटेक होगा तो ए को ऐसा लगेगा कि बी उसके पास आया है चल के। तो अब यहाँ पर एवरीथिंग वी विल राइट विथ रिस्पेक्ट टू ए बिकॉज ए इज योर ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, that is equal to कितना? तो velocity of B is 20 minus of velocity of A is 10 is equal to 10 meter per second. This is the relative velocity. In the same way, relative acceleration की value क्या होगी? Relative acceleration AB minus of AA will be equal to AB. AB की value है sir 1 minus of 2 is equal to minus of 1 meter per second squared. And what will be the relative displacement in this case? 200. बट आप बी को देखें तो बी इज गोइंग बैकवर्ड्स, राइट? तो अगर आप सारी चीजों को चाहे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इफ यू टेक दोज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट टू बी पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो तो पीछे की तरफ है, मतलब ए की तरफ, ठीक है? तो इसलिए यहां पर माइनस ऑफ 200 लगा दीजिए। समझ आई बात? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने ये बात सिखाने की कोशिश किया है आपको कि अगर आप एक को ऑब्जर्वर बनाएंगे। जी क्या कह रही है? मैंने दोनों तरीके से बताया कि कभी जरूरी थोड़ी है कि आपको हमेशा बी आपका मन करे ए को रेस्ट में रखने का, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर कभी मन करे तो इस बात को याद रखिएगा कि बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, दैट इज व्हाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल बी रिटन एज माइनस ऑफ 200। अब यहां पर आप फिर से इक्वेशन लगा लीजिए, वही एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स रिलेटिव की वैल्यू आप लिखेंगे माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू यू टी, यू की वैल्यू कितनी 10, और रिलेटिव लिख रहे हैं हम, तो 10 इंटू टी प्लस ऑफ हाफ इन टू माइनस ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। सही? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर कि माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू 20 टी माइनस ऑफ टी स्क्वायर।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 20 टी माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू जीरो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लें, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो क्या नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम हो सकता है? नहीं, ठीक है। तो टी की वैल्यू मैं निकाल लूं, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 20 प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज 20 का स्क्वायर विच इज 400 माइनस ऑफ 4ac अगर आप लिखेंगे तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 400, राइट। तो डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 प्लस ऑफ ये हो जाएगा 1600 प्लस ऑफ 400 दैट इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 2। डन। नेक्स्ट वेयर निकालना जी, तो पहले वेयर निकालना। हाँ, अगर आपको वेयर पता चल गया तो वेयर निकालने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस टाइम की वैल्यू को किसी एक बॉडी की इक्वेशन में डाल दो, वही एक बॉडी के लिए x is equal to ut plus half a t square लिखो और t की वैल्यू पुट कर दो 20 plus under root 2000 divided by 2। ठीक है, डन जी। सॉल्व वन मोर। जीरो ले लो। बता दो सिर्फ टाइम निकाल दो कि कितने देर के बाद ओवरटेक होगा। Four hundred.
5 root 2000. जी फिर से बताइए। 5 root 2000। 5 root 2000 आ रहा है। आपने बी के रिस्पेक्ट में करा है? चलिए ठीक है, तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी लिखा होगा सर। अगर आपने बी के रिस्पेक्ट में किया तो रिलेटिव वेलोसिटी आपने लिखा होगा माइनस ऑफ 5, राइट शिफत? और ए रिलेटिव आपने लिखा होगा 2 meter per second square। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो डिस्टेंस है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दैट यू मस्ट हैव रिटन एज 400 meter, और आपने फिर से वही इक्वेशन यूज कर ली होगी। और इक्वेशन आपने लिखा होगा सर 400 इज इक्वल टू ut, u मतलब रिलेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ हाफ इनटू a इनटू t स्क्वायर। हां इक्वेशन आई थी t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 400 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर ऑब्वियसली ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 5t माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है, अब ये जो भी सॉल्व करके आ जाए दैट यू नो हाउ टू सॉल्व इट नाउ, राइट? अब देखो सर, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट हमने यहां पर यूज किया है, द सेम कांसेप्ट वी विल बी यूजिंग नाउ इन द केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ, एक क्वेश्चन है कि आपसे मैंने कहा कि साहब यहाँ पर एक बॉडी है और यहाँ पर दूसरी वाली बॉडी, ठीक है, इस बॉडी को यहां से फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 20 meter per second, एट द सेम टाइम अनदर बॉडी हैज बीन थ्रोन डाउनवर्ड्स विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 100 meter per second। ठीक है, लेट मी कंसीडर दिस बॉडी एज ए, लेट मी कंसीडर दिस बॉडी एज बी, और इन दोनों के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है वो मान लो 100 meter। क्वेश्चन अभी भी बेटा वही है कि व्हेन एंड वेयर द टू बॉडी विल मीट, समझिए आप, अभी भी क्वेश्चन बस वही है कि when and where the two bodies will meet, बस फर्क इतना है कि इस बारी मोशन अंडर ग्रेविटी का केस इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, कोशिश करो तो वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो जैसा कि अभी आपने इतने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश किया था। फर्क बस इतना है सर कि लास्ट वाले केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यूज आपको अलग अलग गिवन थी, यहाँ पर दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दोनों के एक्सेलरेशन वुड बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोशिश करो। दोनों के अलग अलग होगी ना ए, दोनों की अलग अलग क्या होगी? एक्सेलरेशन बेटा, दोनों का मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी है, मतलब दोनों अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन स्मॉल जी ही तो होगा बच्चे, तो अलग कहाँ होगा? तो फिर तो जीरो हो जाएगा ना एक्सेलरेशन, और माइनस करो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेके फिर रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाला था, अगर मैं इसमें रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालूं तो जीरो नहीं हो जाएगा?
डन हो गया माइनस में आ रहा है, हो भी सकता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डेटा। अगर मैंने डेटा कुछ अच्छा सा नहीं लिया होगा तो हो सकता है कि माइनस में भी आ जाए, मगर टाइम की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी बेटा। टाइम की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आएगी, टाइम की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और टाइम की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो समझ लो कि तुम चमत्कार कर रही हो कुछ कुछ चमत्कार होगा तभी टाइम, क्योंकि टाइम नेगेटिव का मतलब कि दे विल नॉट मीट एनीवेयर, ठीक है, ड्यूरिंग देयर मोशन, और ऐसा नहीं पॉसिबल है। चलो देखते हैं। पहली बात तो किसी एक को आप ऑब्जर्वर मान लीजिए, किसको मानेंगे आप ऑब्जर्वर बताइए। बी को। चलिए अगर आपने बी को ऑब्जर्वर मान लिया तो इस पे बैठ जाते हैं, बी को ऑब्जर्वर मान लिया मतलब ए आपके लिए ऊपर जा रहा है। यहाँ पर अगर आप रिलेटिव एक्सेलेरेशन लिखिएगा, रिलेटिव एक्सेलेरेशन होगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ बी। आप अगर देखें एक्सेलेरेशन ऑफ ए तो आपको पता है कि यहाँ पर एक्सेलेरेशन इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा ए एक्सेलेरेशन के साथ आपने माइनस क्यों लगाया था? बिकॉज मैंने आपसे बोला था लास्ट डे कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ हमेशा माइनस लगाएंगे, माइनस ऑफ फिर से माइनस ऑफ जी, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन विल बिकम जीरो, राइट। रिलेटिव एक्सेलेरेशन सीधी सीधी सी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब आते हैं सर रिलेटिव वेलोसिटी पे, तो अच्छा ये 200 मीटर पर सेकंड नहीं है बेटा, ये मुझसे गलती हुई है, 20 मीटर पर सेकंड को 200 लिख दिया था। तुमने 200 लेके सॉल्व किया क्या? सॉरी माय मिस्टेक, ऐसे मैंने 20 बोला होगा शायद, लिखने में गलत लिख दिया होगा। तो u रिलेटिव की वैल्यू लिखते हैं, u रिलेटिव मतलब ua माइनस ऑफ ub। u रिलेटिव की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, एक की वेलोसिटी ऊपर एक की वेलोसिटी नेगेटिव है, तो मेरे हिसाब से तो 20 इसकी और उसकी 20 माइनस ऑफ माइनस 20 इज इक्वल टू मेरे हिसाब से 40 मीटर पर सेकंड आएगी रिलेटिव वेलोसिटी। देखो शिफत अगर आपको समझ में आ रहा हो तो उसकी माइनस में हमने क्यों लिखी वेलोसिटी? हां बिकॉज़ वी आर टॉकिंग because we are talking about velocity, velocity is a vector quantity. अगर velocity vector quantity तो एक की positive है तो दूसरे की direction की वजह से वो velocity negative होगी। तो u relative की value हो गई 40, a relative की value हो गई 0, मतलब motion, मतलब relative motion non-accelerated है। और relative displacement कितनी हो गई, तो x relative की value कितनी हो गई 100 meter. So because there is no relative acceleration, so time को हम simply लिख सकते हैं x relative divided by u relative, that is equal to 100 divided by 40. ये वाला term cancel हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 by 2 is equal to 2.5 seconds. ये आपके time की value आएगी। अब आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि भाई कहाँ मिलेंगे,
तो कहां मिलेंगे के लिए आप क्या करें, अब वापस ग्राउंड पे चले जाएं और देख लें कि इतनी देर में ये जो बॉडी है ए या बॉडी बी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ ए निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज 2.5 प्लस ऑफ हाफ इनटू जी की वैल्यू मान लीजिए माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर। अब इसको जो भी सॉल्व करके आए वो फाइनल रिजल्ट होगा आपका। वो तो सिर्फ ए का हुआ ना, बी भी तो चला ना। हाँ बेटा, अगर ए मान लो 20 मीटर चला है तो बी कितना चलेगा, 100 माइनस 20 टू मीट ए। ओके अब देखिए इसी में एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि सर ये कोई एलिवेटर है, एलिवेटर या लिफ्ट जो भी कह ले आप, यहां से मान लो कि कोई चीज नीचे ड्रॉप होती है फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर, दिस इज ड्रॉप्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर। ये बॉडी यहां से ड्रॉप होती है और ये जो एलिवेटर है दिस इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि इफ दिस रीचेस टू द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर यहां पर आफ्टर अ टाइम ऑफ 4 सेकेंड्स देन व्हाट इज द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। अब ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए कि आप एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है और आपको उस बॉडी के लिए आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द विच दिस बॉडी वॉज ड्रॉप, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट। तो सर ऐसे केस में भी इट्स बेटर टू सिट इनसाइड द एलिवेटर एंड टू ऑब्जर्व द सिचुएशन। आप ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्व मत करिए, कहां बैठ के ऑब्जर्व करिए, एलिवेटर के अंदर। अगर सर आप एलिवेटर के अंदर बैठ गए तो आप कैसे ऑब्जर्वर होंगे, मतलब कैसे ऑब्जर्वर है सच। अगर मैं ग्राउंड पे हूं, मान लो अगर मैं ग्राउंड पे होता तो मेरा एक्सेलरेशन कितना होता बेटा जी, फोर एक्सेलरेशन जीरो होता ना ग्राउंड पे होते हैं। नहीं आ रही तुम्हारी आवाज, फिर से बोलो। अगर ग्राउंड पे होते तो एक्सेलरेशन जीरो होती ना। हाँ, तुम्हारी अपनी एक्सेलरेशन जीरो होती, ठीक है, लेकिन अगर मैं सोचू कि एलिवेटर के अंदर ही बैठ गया तो मेरा एक्सेलरेशन अब तो जीरो नहीं है, मेरा एक्सेलरेशन कुछ तो होगा। अब देखिए इसमें एक्सेलरेशन कैसे है ना, इसमें एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, मान लो कि इस बॉडी को जिसको हमने ड्रॉप किया है उसका हमने एक्सेलरेशन लिखना है, ठीक है, तो हम इस बॉडी का एक्सेलरेशन लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर हु इज इनसाइड दिस एलिवेटर। तो मान लो कि मैं उस ऑब्जर्वर को कुछ मान लेता हूँ यहाँ पर कि ये कोई मैन है हु इज स्टैंडिंग इनसाइड द एलिवेटर, तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी विच इज ड्रॉप्ड, ठीक है, इस बॉडी को मैं कुछ कह देता हूं, मान लो कि इस बॉडी को मैं क्या कह दूं, लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस बॉडी एज सम बॉल, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द मैन विल बी इक्वल टू कितना, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द मैन कैन बी रिटन एज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मैन, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, बॉल को हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया बच्चे, ठीक है, तो बॉल को अगर हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है तो बॉल का जो मोशन है आप उसको एक तरह से सोचो, आप अगर अंदर बैठ गए एलिवेटर के तो आपके लिए जो बॉल है वो उस बॉल का मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हो रहा होगा या नहीं बेटा। बिल्कुल,
ठीक है, तो अगर हम बॉल पे एक्सेलरेशन देखें तो फॉर मी दैट कैन बी टेकन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट, तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस ऑफ 10 बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, राइट? ग्रेविटेशन ठीक है, और मैन का कितना? माइनस ऑफ 4, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द मैन जो होगा वो माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 4 दैट इज माइनस ऑफ 14, ठीक है? समझ आ गई बात? अब हमसे क्या बोला? हमसे बोला कि भाई कितने टाइम में ये नीचे गिरा है, दैट टाइम इज गिवन टू अस, हमें हाइट निकालना है, ठीक है? अच्छा बेटा ये ड्रॉप किया गया, इस बात को याद रखना बेटे कि इसको क्या किया गया, ड्रॉप, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी विल बी जीरो ऑब्वियसली। तो हम ये वाली इक्वेशन फिर से यूज कर सकते हैं मेरे बच्चे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर वाली, ठीक है, रिलेटिव के टर्म्स में, बट u विल बी जीरो, ये निकालना है हमें, इज इक्वल टू हाफ इन टू माइनस ऑफ 14 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, टी का मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है? तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो, माइनस ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई 16 कर लो, जो भी आ जाए। ठीक है, देखिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन करिए, मान लीजिए फिर से एलिवेटर मान लेते हैं, और इस एलिवेटर के अंदर यहां से किसी बॉडी को हमने फिर से ड्रॉप किया है, एलिवेटर आपका इस बार ही नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये वाली जो हाइट है लेट दैट हाइट बी 8 मीटर फ्रॉम विच द बॉडी इज ड्रॉप, तो आपको बताना है कि कितनी देर के बाद बॉडी विल हिट द फ्लोर। फिर माइनस में आया -4/3, तो टाइम तो माइनस में हो ही। सर आ तो गया है टाइम, लेकिन फिर से वही है कि माइनस में आया, फिर से टाइम माइनस में। ऐसा क्यों आया शिफत? चलो देखते हैं। सर पहली बात तो ये कि यहां से आपने ड्रॉप किया, हाइट आपको पता है 8 मीटर, तो यू नो द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट? अब यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर आप निकालेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आप क्या लिखेंगे? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बॉल के लिए आप लिखेंगे माइनस ऑफ 10, और लिफ्ट के लिए आप क्या लिखेंगे? लिफ्ट के लिए लिखेंगे -2। Did you understand why -2? Because this body lift किधर जा रहा है? Lift नीचे जा रहा है, तो lift का acceleration भी तो negative होगा। आप बेटे इस ball का acceleration negative क्यों ले रही हैं? इसलिए क्योंकि ball का जो acceleration है वो acceleration due to gravity है, और acceleration due to gravity is always in the downward direction. So that is why you are taking it as negative. तो अगर downward direction को you are taking negative, तो यहाँ पर तो लिफ्ट का भी एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, तो इसका भी तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव लो, ठीक है?
ये आपका आ जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, तो माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से इनिशियल वेलोसिटी जीरो है सर, इस बार आपको हाइट दे दिया है, और हाइट अगर मान लो मैं इसको ऑरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है, एंड द हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 8 यू वाला टर्म जीरो, ठीक है, हाफ इंटू ए की जगह माइनस ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, तो ये माइनस ऑफ 8 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 सेकंड्स आ रहा है मेरे हिसाब से, तो सही। हाँ मैंने वो माइनस नहीं लिया था ना टू, तो उसकी वजह से वो मेरा आंसर 12 आया था। ओके, अब हो गया ये वाला, आगे बढ़े, ठीक है। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव सीन द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली, और दूसरा हाउ टू अप्लाई द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कॉन्सेप्ट टू द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब सर ये सब करने के बाद वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फैक्ट, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स आप ड्रॉ करते हो इन द डिफरेंट सिचुएशंस। तो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, और ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उन चीजों को समझने के लिए पहले मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा, कुछ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पहले उसको समझिए, उसके बाद फिर हम ग्राफ के बाकी कब कैसा ग्राफ बनेगा मोशन का, और फिर किस ग्राफ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वो सब उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिक आइडिया लेते हैं। देखो ग्राफ जनरली, जो मोशन का जो ग्राफ होगा वो जनरली दो तरह का होगा, एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोलिक, ठीक है। अब देखो सर दूसरी बात ये है कि ग्राफ के, अगर हम मोशन के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, वेदर इट बी अ स्ट्रेट लाइन और इट्स बी अ पैराबोला, तो कब कैसा ग्राफ ड्रॉ होता है, पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि ग्राफ बेसिकली क्या होता है सर, तो ग्राफ इज बेसिकली द रिलेशन, ठीक है, या ऐसे कह लो ग्राफ इज बेसिकली अ ज्योमेट्रिकल डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी। मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली, एक क्वांटिटी का किसके रिस्पेक्ट में सर, तो विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्राफ। कुछ हजम हुआ, ठीक है। अब यहां पर ग्राफ बेसिकली इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा, तो जब भी डेटा आपको दिया जाता है उसमें दो क्वांटिटी होगी, तो दो क्वांटिटी में से आउट ऑफ द टू क्वांटिटीज वन कैन बी वेरिएबल, या आप ये कह सकते हैं वन कैन बी इनडिपेंडेंट एंड अनदर वन विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं लिखता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस टाइम में मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस एंड टाइम में कि टाइम जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, तो टाइम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब सर, तो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ऐसी, हाँ ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज होती ही रहेगी, भले आप चलो मत चलो, आप बैठे रहो, ठीक है, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, मैं बैठा रहूं, तो टाइम तो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, है ना, टाइम विल वेट फॉर नथिंग। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं या आप चल रहे हो या आप पढ़ रहे हो, तो आप ये जरूर कह सकते हो कि मैंने आपको एक घंटा पढ़ाया या आपने एक घंटे पढ़ा, ठीक है, तो आपका जो पढ़ना है कि आपने कितना पढ़ा, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, बट टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर यू स्टडी और नॉट, ठीक है। तो ग्राफ में अक्सर जनरली दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक इनडिपेंडेंट क्वांटिटी, और जनरली ग्राफ में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में से यहाँ पर जनरली हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखते हैं, जनरली मैं बार बार कह रहा हूँ जनरली इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखते हैं दैट इज डिपेंडेंट, ठीक है, और उसके बाद हम उन दोनों का रिलेशन देखते हैं। अब देखो जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, मैं एक इक्वेशन लिखूं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ टू, अब यहां पर इस बात को समझिए, सबसे पहली बात ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है y और x में, दिस इक्वेशन विच यू कैन सी इज अ लीनियर इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है सर? कि लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि द पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज लीनियर. अगर द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज स्क्वायर, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, एंड सो ऑन. इसी तरह से पावर अगर क्यूब हो जाए तो क्यूबिक इक्वेशन कह सकते हो. तो बेसिकली ये कैसी इक्वेशन है? ये आपकी लीनियर इक्वेशन है. अब इस लीनियर इक्वेशन में बेटा y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, और अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट, मैं बेसिक बात समझा रहा हूँ कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x लेता जाऊं और उसके लिए y, उसके कोरोस्पॉन्डिंग y फाइंड करूं, y तो x की वैल्यू जीरो रखो, अगर x जीरो है सर तो y की वैल्यू टू हो जाएगी. मतलब जब x जीरो है तो y की वैल्यू है y इज इक्वल टू टू. इसी तरह से x की वैल्यू वन रखो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थ्री. x की वैल्यू टू रखो तो y की वैल्यू फोर. और इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे वेरिएशन को अगर आप यहाँ पर शो करने की कोशिश करें, ठीक है, कि x की किस वैल्यू के लिए x क्या है, तो y उस केस में क्या है, y क्या है तो x क्या है. तो देखो जब x जीरो है तो y टू है, मतलब y कहीं यहाँ पर है, ठीक है, मतलब अब y एक्सिस के अलोंग बढ़ेंगे. अब उसके बाद जैसे ही x की वैल्यू को मैंने बढ़ाया, मतलब x को मैंने वन किया, तो y कितना हो गया इस बारी? y बिकम इक्वल टू टू. हाँ टू. सॉरी y इज इक्वल टू थ्री. नहीं यू आर राइट. इन दोनों को अगर मिला लूं तो एक पॉइंट हमें फॉर्म हो रहा होगा ये वाला, ठीक है, जो x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. क्लियर? इसी तरह से बच्चे अगर मैं फिर से x इज इक्वल टू टू रख देता हूँ यहाँ कहीं, तो y हमारा कितना हो गया, y और ऊपर चला गया, y इज इक्वल टू फोर और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, टू. तो इन दोनों का अगर मैं कॉमन पॉइंट ले लूं, मीट करा दूं, तो वो कॉमनली यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे. इसी तरह से आप और पॉइंट्स कंसीडर कर सकती थी, और सारे पॉइंट्स को अगर मिला दें आप, लोकस ले लें, तो इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन इन दिस केस. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब व्हेनेवर यू हैव लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, जब भी आपको दो वेरिएबल गिवन है और उनका जो इक्वेशन है वो लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. आप जो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाए, मैंने कुछ गलती की है, तुम हूं हूं करती रह गई. क्यों गलती क्या हुई है? टू पे सही तो था ये. अच्छा, ये बना तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, रहेगा स्ट्रेट लाइन नहीं, वो कोऑर्डिनेट शो करने में मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि x जीरो पर y जीरो नहीं है. अगर x जीरो पर y जीरो होता तो फिर ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होता. ठीक है बच्चे, x जीरो पर y कुछ है तो ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा. खैर, तो हमारा पॉइंट ये है कि अगर इक्वेशन लीनियर है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा तो इसमें कुछ चीजों को हम डिफाइन करते हैं किसी भी ग्राफ के लिए. ये मान लो ये y है, ये x है और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. तो इसको देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इट इज मेकिंग सम एंगल विद द x एक्सिस, द एंगल दैट इट मेक्स विद द x एक्सिस. ठीक है, इस एंगल का अगर मैं टेंजेंट ले लूं, दैट इज tan ऑफ दिस थीटा. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ स्लोप ऑफ ग्राफ. इसी को हम स्लोप ऑफ ग्राफ कहते हैं. ठीक है, और tan थीटा हम निकाल कैसे सकते हैं? तो सर tan थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कि यहाँ पर अगर इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, और इस ट्रायंगल में tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ. स्लोप ऑफ ग्राफ कैन बी रिटन एज y बाय x. सर लेकिन जैसे अभी जैसे हमारा पिछले वाला ग्राफ बना था तो वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ था, ऊपर से स्टार्ट हुआ, तो उसमें कैसे लेंगे एंगल? उसमें भी ऐसे ही लेंगे, ये ऐसे ग्राफ स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर x है पैरेलल, उसके पैरेलल ऊपर दिखा दो x को, x यहाँ पर है, इसको ऊपर दिखा दो, तो ये हो गया इसका टेंजेंट.
ठीक है, इसका स्लोप है, तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब ये जो स्लोप है बेटा, दिस स्लोप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इट कैन इवन बी जीरो डिपेंडिंग ऑन कि ग्राफ कैसा है। जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे ऐसे कहता हूँ कि ये ग्राफ ऐसा है y वर्सेस x का, तो यहाँ पर मैं स्लोप को जीरो कह सकता हूँ बिकॉज इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और मैंने आपसे बोला है कि x के रिस्पेक्ट में यू हैव टू मेजर द एंगल, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आप थीटा मेजर करेंगे, यू विल ऑलवेज मेजर दिस थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब आपको कभी ना कभी समझ आ जाएगा, ठीक है, सिचुएशन में। अभी तो फिलहाल इस बात को समझिए कि ये थीटा जो है, थीटा दैट विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस। यहां पर सर ये वाला जो केस मैंने दिखाया उसमें स्लोप जीरो है। दूसरी बात, स्लोप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो देखो, इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। इस केस में स्लोप पॉजिटिव होगा बिकॉज इफ थीटा इज लेस देन 90, स्लोप क्या बोला, स्लोप विल बी पॉजिटिव बिकॉज फॉर एंगल लेस देन 90 टैन थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। टैन की जो वैल्यू होती है वो 90 से कम वाले एंगल पे टैन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और टैन की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव। इसी तरह से बेटा, अगर इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, कैसे सर, किस केस में ग्रेटर देन 90 होगा? तो जैसे अगर मान लो कि मेरा ग्राफ ऐसे, ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि थीटा विल बी मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो अनडाउटेडली आपको दिख रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप इज नेगेटिव एज फॉर थीटा टू बी ग्रेटर than 90 tan theta is negative, मतलब एंगल अगर 90 से बड़ा होगा तो tan theta कैसा होगा बेटे? tan theta बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आ गई कि कब स्लोप पॉजिटिव होगा, कब स्लोप निगेटिव होगा बेटा स्ट्रेट लाइन का। और दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा शिफत, कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो कहीं पर भी अगर हम स्लोप देखेंगे तो वो हमेशा सेम होगा। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी ये है कि स्लोप एट एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ विल ऑलवेज बी सेम। जी ये समझ आ गया, ये पूछना चाह रही है कुछ? नहीं। Then, अब इसमें एक और छोटी सी बात सुनिए, हमने स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव इस पे तो बात कर ही लिया, अब दूसरी चीज एक और चीज होती है, इंटरसेप्ट कहते हैं। एक तो चीज है स्लोप, स्लोप का तो मतलब ये हो गया कि ग्राफ जो एंगल फॉर्म कर रहा है विद द एक्स एक्सिस, उसका अगर मैं टैन ऑफ दैट एंगल ले लूं तो दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज स्लोप। अब दूसरी चीज है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ये सारी बातें छोटी छोटी सी हैं, याद हो जाएंगे आपको और इसका यूज होगा। तो इंटरसेप्ट ऑफ अ ग्राफ, इंटरसेप्ट ऑफ अ ग्राफ को आप ऐसे समझें कि मैंने अभी आपको दिखाया था एक ग्राफ जो मैंने बनाया था, उसमें आपने देखा था कि जब x जीरो है तो y जीरो नहीं है, राइट? तो x जीरो पे y जीरो नहीं है, तो ये जो आपका x जीरो पर ग्राफ जहां पर y को कट करता है, मतलब जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ऑन द y एक्सिस, That is basically called as intercept. उसी को अपन क्या कहते हैं? Intercept कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर intercept क्या है? Zero या non-zero? तो intercept will be equal to non-zero.
क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेप्ट कितना है, नॉन जीरो। अच्छा, अगर यही ग्राफ ओरिजिन से बिल्कुल स्टार्ट होता तो इंटरसेप्ट कितना होता है, तो इंटरसेप्ट वुड हैव बीन इक्वल टू जीरो, राइट। अगर ग्राफ ऐसे होता और ये ऑरिजिन है, तो ये इंटरसेप्ट के बारे में आप क्या कहती? माइनस में वेरी गुड। तो यहां पर जो इंटरसेप्ट है दैट इज सी, सी विल बी नेगेटिव, राइट। इसका मतलब इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है या इंटरसेप्ट जीरो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में दो बातें आ गई, दो चीजें हैं, एक तो उसका स्लोप है सर, और एक उसका इंटरसेप्ट है। तो जनरली स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन लिखी जाती है वो इस फॉर्मेट पे लिखी जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ c। दोनों के साथ आप प्लस और माइनस साइन दोनों लगा सकते हो, c का मतलब होता है इंटरसेप्ट और यहां पर m का मतलब है स्लोप। x और y आपको पता है कि दीज आर टू क्वांटिटीज जो आप वेरी करेगी, x की जगह कुछ भी हो सकता है, y की जगह भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो दिस इज द बिट ऑफ डिस्कशन ऑन द स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इससे ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, ठीक है। दिस इज इनफ फॉर योर फिजिक्स पार्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट इज इनफ फॉर योर फिजिक्स पार्ट। अब आते हैं दूसरे के पार्ट ऑफ द ग्राफ पे, जिसको हम पैराबोला कहते हैं या पैराबोलिक ग्राफ। तो पहले तो मैं एक बात बताऊं शिफत जी कि पैराबोला अगर हम बात करें तो पैराबोला के डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे ये एक पैराबोला होता है इसको हम अपवर्ड पैराबोला कहते हैं, इसी तरह से एक ये पैराबोला होता है जिसको हम डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं, इस तरह से और पैराबोला और भी होते हैं। बट सर पॉइंट इज कि पैराबोलिक ग्राफ कब बनेगा या पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। तो पहले कुछ कुछ बातों को हम समझते हैं कि सर पैराबोला जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म पे लिखी हो, मतलब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन का भी ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो पैराबोलिक हो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर पैराबोलिक ग्राफ विल बी फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे लिख दूं मैं y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक रिलेशन है y और x के बीच का, राइट, वेयर k इज सम कांस्टेंट। या मैं ऐसे लिख दूं x इज इक्वल टू ky स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिटवीन x एंड y। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा, ठीक। अब आते हैं दूसरी बात पे, अगर हम मोशन का ग्राफ देख लें या ऐसे समझो जनरल, कि अगर हम कोई पैराबोला ड्रॉ करें सर, ये हमने कोई पैराबोला ड्रॉ किया, दिस पैराबोला इज ड्रॉन बिटवीन वाई एंड एक्स। अब इस पैराबोला में किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप चेक करना हो तो पैराबोला के साथ दिक्कत या दिक्कत कह लो या जो भी कह लो जी, स्लोप सेम नहीं रहती होगी इसमें। हाँ, अरे वाह, तो पैराबोला का जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे सेम नहीं होता, मतलब इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप चेक करना है तो वो अलग होगा, इस पॉइंट पे स्लोप अलग होगा। तो हाउ टू चेक, तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चेक करना है वहां पे आप टेंजेंट बना लीजिए। टेंजेंट आप समझती होंगी ऐसी कोई भी लाइन विच टचेस द पॉइंट ऑन द पैराबोला ओनली एट वन पॉइंट, ठीक है। एंड दिस एंगल मान लीजिए कि दिस एंगल इज सम एंगल लेट दैट बी थीटा। इसी तरह से यहां पर दूसरा टेंजेंट बना लीजिए, यहां पर एंगल देख लीजिए दैट लेट दैट बी थीटा डैश। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि थीटा डैश इज नथिंग बट ग्रेटर देन थीटा, ठीक है। इसका मतलब एज यू मूव फ्रॉम ए टू बी आपको दिखाई दे रहा है कि थीटा जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यहां पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, बट यस स्लोप भले इंक्रीज हो रहा है बट रहेगा कैसा, पॉजिटिव।
हो गया। यहां पर स्लोप किसी भी पॉइंट पे जब आप देखते हैं तो ये कोई भी पॉइंट का मतलब है कि उसकी लेंथ तो बहुत छोटी होगी ना शिफत। हाँ, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट को देख रहा हूं, मतलब अगर ये पैराबोला है और ये कोई पॉइंट है, तो इसका ये लेंथ अगर मैं मान लूं ऑब्वियसली बहुत छोटा, तो इसको लेके अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो इसको मैं कह सकता हूँ dy और इसको मैं कह सकता हूँ dx और ये समथिंग dA। नहीं समझे? तो यहां पर अगर आप देखो तो tan थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर tan थीटा व्हिच इज द स्लोप, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू एट एनी पॉइंट इट कैन बी कॉल्ड एज dy / dx, डिफरेंशियल फॉर्म यूज कर सकते हैं। समझे? tan थीटा इज इक्वल टू dy / dx व्हिच इज डिफरेंशियल फॉर्म एक्चुअली। अब आते हैं सर दूसरी बात पे, और ये यहां पर स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा, तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर dy / dx की वैल्यू चेंज हो रही होगी, मतलब tan थीटा की वैल्यू चेंज हो रही होगी। इसी तरह से सर अगर मैं दूसरे पैराबोला पे आता हूँ, y वर्सेस x, आई एम टेकिंग अनदर पैराबोला, लुक एट द पैराबोला लाइक दिस। अब हर सिचुएशन में अलग अलग शेप बनेगा पैराबोला का, तो ये ऐसा पैराबोला है। अब इस पैराबोला पे अगर हम स्लोप चेक करना चाहें शिफर, तो देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ले लू तो इसका एंगल, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ले लू तो इसका एंगल, लेट दिस बी थीटा, लेट दिस बी थीटा डैश। तो शिवत आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे मैं ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा हूं, मतलब मान लो कि ए से बी की तरफ जा रहा हूं, स्लोप अगेन डिक्रीजिंग, राइट? स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, कम हो रहा है लेकिन निगेटिव नहीं हुआ है अभी तक, और इस वाले में स्लोप बढ़ रहा है मगर निगेटिव नहीं हुआ है। तो ऐसा अगर पैराबोला बनेगा तो स्लोप डिक्रीजिंग होगा एंड पॉजिटिव, और ऐसा पैराबोला होगा तो स्लोप इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। Then, last case of parabola. अगर मान लीजिए कि पैराबोला मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसा इतना पोर्शन ले रहा हूं पैराबोला का, पैराबोला का दूसरा मतलब कर्व, तो सर इस केस में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे स्लोप चेक करूं तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये जो एक्स है इसको यहां पर दिखाएंगे हम, फिर इसी तरह से इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो फिर से इस एक्स को हमें यहां दिखाना होगा। मुझे एक बात बताइए, थीटा थीटा डैश, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एज यू गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपका स्लोप कैसे कम हो रहा है? खत्म हो रहा है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। अच्छे से देखो, बस कमी तो हो रहा है ना। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव है, 90 से ज्यादा है। नहीं, 90 से ज्यादा है तो स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब इस केस में स्लोप इज नेगेटिव, एट एवरी पॉइंट स्लोप विल बी नेगेटिव। अब आते हैं, स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है एज यू गो फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज हैपनिंग टू स्लोप? ए से बी जाने पे कम हो रहा है। ए से बी जाने में कम हुआ? हाँ, तो हमें तो हो रहा है। कम नहीं हो रहा जी? कम हो रहा है ना जी? चलो मैं समझाता हूँ, मुझे एक बार बताइए, आपको कौन सा थीटा ज्यादा दिखाई दे रहा है, थीटा या थीटा डैश? थीटा ज्यादा है। थीटा ज्यादा है, इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो थीटा की वैल्यू कम हो रही है, और थीटा की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब, मुझे एक बार बताओ, लेकिन है निगेटिव, राइट?
है नेगेटिव, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये थीटा और ये थीटा में, अगर ये थीटा ज्यादा है, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा डैश, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई टेन थीटा इज ग्रेटर देन टेन थीटा डैश, राइट? ठीक है, बट थीटा का भी टेन लोगे तो निगेटिव है, और थीटा डैश का भी, थीटा डैश का भी टेन लोगे तो निगेटिव है, थीटा का भी टेन निगेटिव और थीटा डैश का भी टेन निगेटिव। तो ये अगर मैं लिखूं थीटा की वैल्यू, मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं लिखूं माइनस ऑफ फोर और थीटा डैश की वैल्यू लिखूं मैं माइनस ऑफ टू, अब मुझे बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? माइनस टू। माइनस टू बड़ा है जबकि उसका थीटा डैश छोटा है ना, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज निगेटिव हैं, तो निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा माना जाएगा ना, ठीक है, दैट विल बी क्लोजर टू जीरो, राइट? जो वैल्यू छोटी होगी वो ज्यादा क्लोज होगी टू जीरो, जो वैल्यू बड़ी होगी वो जीरो से ज्यादा उस तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ, अगर नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ पर बेसिकली थीटा, भले आपको बिल्कुल सही कह रही हो कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा डैश, बट ये है निगेटिव, और ये बिकॉज ये निगेटिव है इसका मतलब है कि यहाँ पर बात उलट जाएगी, इसका मतलब है कि स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन, स्लोप एट ए, पहला तीसरा आखिर आओ, समझी आप? ठीक है, हो गया बच्चे? हाँ हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें डिफरेंट स्ट्रेट लाइन के भी ग्राफ का स्लोप वोलोप हमें समझ में आता है, और पैराबोला का भी स्लोप वोलोप हमें समझ में आता है, ठीक है, कि पैराबोला भी अगर ले लेंगे तो उसका हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, किसी का स्लोप इंक्रीजिंग होगा, किसी का स्लोप डिक्रीजिंग होगा, किसी का स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग और पॉजिटिव, डिक्रीजिंग और पॉजिटिव, या इंक्रीजिंग और नेगेटिव, ये सारी चीजें अभी कुछ कुछ हमें लॉजिक समझ में आ गई है। तो बेस्ड ऑन दिस वी विल स्टार्ट डीलिंग विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब वन बाय वन मैं ग्राफ बनाता जाऊंगा, पहले मैं उसके फॉर्मूलाज जो है, मतलब बेसिकली इस ग्राफ से हमें क्या मिलता है वो लिखता जाऊंगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो बेसिकली बेटा याद रखो कि जो आपका मोशन है ना, मोशन वो बेसिकली दो तरह का है, कि एक तो वो मोशन है जो यूनिफॉर्म है, और एक वो मोशन है जो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि उसमें वेलोसिटी वगैरह चेंज हो रही होगी विद टाइम, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि जिसमें वेलोसिटी या स्पीड डज नॉट चेंजेस विद टाइम, है ना, या कोई भी क्वांटिटी डज नॉट चेंजेस विद टाइम। तो देखो जितने भी यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए, अब सबसे पहली बात, पहला केस हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द फर्स्ट ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ ऐसा अगर मैं बना दूं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे विल बी डिस्टेंस एंड एक्स एक्सिस पे विल बी आवर टाइम। तो अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग, ओनली द टाइम इज इंक्रीजिंग। तो अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट। पॉइंट नंबर दूसरा, ये ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, दिस इज द स्ट्रेट लाइन स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि सेम टाइम में सेम कपड़े खरीदे जा रहे, ठीक है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है। देखो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, तो इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, है ना, बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। दूसरी बात, इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप ले लूं, स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा,
तो tan theta is equal to perpendicular divided by base. तो perpendicular axis पे क्या होगा शिफत? यहाँ पर what do you get on the perpendicular axis? क्या मतलब? 90 degree. नहीं 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 अब समझी नहीं. Y axis पे क्या है? ये अगर इसको मैं triangle form कर दूँ. Distance. और X axis पे क्या बच्चे? Time. तो distance upon time speed होता है. हम्म. इसका मतलब slope of distance time graph gives you speed. ठीक है. और ये स्पीड मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा उसका स्लोप देख के आप स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं. ठीक है. या तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ या डिस्टेंस इंक्रीज करेगा टाइम के साथ. सर डिस्टेंस टाइम के साथ ना तो डिक्रीज कर सकता है. ठीक है. डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर सकता. हमेशा याद रखो डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस. इट कैन नेवर डिक्रीज. Because distance is a scalar quantity which always remains positive. ये कभी भी negative नहीं हो सकता. तो distance can never decrease. It will only increase. ठीक है. Speed decrease हो सकती है. I am not saying कि speed decrease नहीं होगा. Speed decrease होगा. But distance decrease कभी भी नहीं होगा. Distance हमेशा increase होगा. Clear होगी बात? तो इसका मतलब है कि distance time graph मेरे बच्चे distance time graph कभी ऐसा नहीं बन सकता. समझिए आप. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है. दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज़ वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है और देखो टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है डिस्टेंस कम होता जा रहा है. ठीक. हाँ. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी पॉजिटिव मतलब ये नहीं हो सकता डिक्रीजिंग. दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी निगेटिव नहीं हो सकता. भाई जब डिक्रीजिंग नहीं हो सकता तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना. क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. जो डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है? पॉजिटिव. वो कभी भी निगेटिव नहीं होती. ठीक है. तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग नहीं हो सकता. दूसरा ये कि निगेटिव नहीं हो सकता. ऐसा नहीं बन सकता डिस्टेंस टाइम ग्राफ कि भाई ये ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दूं. ये पॉसिबल नहीं. ये भी गलत है. बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस कैसा हो गया? निगेटिव. तो ये भी गलत है. क्लियर है बच्चे? ठीक है. अब देखो जैसे एक दो और बात सुनो. जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है. हा? क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल है? नहीं. हाँ, आपने जो दिमाग लगाया होगा वो ये लगाया होगा कि ये कौन सा शेप हुआ सर? नहीं नहीं, पहले पॉजिटिव जा रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है. हाँ, इसमें आप ये भी बात कह सकते हैं कि पहले इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता इसलिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है. दूसरी बात ये भी कह सकती है कि एक ही टाइम पे अगर कोई टाइम ले लूं मैं तो एक ही टाइम पे दो पोजीशन दिखाई दे रही है डिस्टेंस की एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे एक ही बॉडी दो अलग अलग पोजीशन पे थोड़ी ना होगी. हो सकती है क्या? हो सकती है. नहीं हो सकती भी तो कह रही हूं. अच्छा, इसी तरह से ऐसा सर्कल भी बना दूं तब भी उसका ये मतलब होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अगर मैं सर्कल भी ले लूं तब भी यही मतलब होगा कि ये पॉसिबल नहीं क्योंकि एक ही टाइम पे हमें दो पोजीशन दिखाई दे रही है. इसी तरह से अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनाऊं बच्चे, ज़िगज़ैग शेप. ज़िगज़ैग नहीं बनाऊंगा, ऐसा बनाऊं. इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल. उसके पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है. बिल्कुल सही बात. इंक्रीज तो हो सकता है बट डिक्रीज नहीं हो सकता. तो ये भी नहीं होगा. तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. मूविंग ऑन, दूसरा ग्राफ बच्चे पोजीशन टाइम ग्राफ या इसी का दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी है. इसको XT ग्राफ के टर्म्स में, XT के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं. या आप कह लें पोजीशन टाइम ग्राफ या आप कह लें इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सबका एक ही मतलब है. सर फिर से कहानी वही है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जैसे भी कह लें. तो जनरली हम लोग XT ग्राफ लिखते हैं तो XT ऐसा बना देते हैं. ठीक है. इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन में कोई चेंज
नहीं आ रहा, ठीक है, पहला। दूसरा, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बन जाएगा, एक्स टी ग्राफ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम के साथ पोजीशन इज इंक्रीजिंग, राइट। यहां पर भी अगर हम स्लोप की बात करें तो यहां पर भी जो स्लोप है, स्लोप स्लोप विल बी इक्वल टू एक्स वर्सेस टी, दैट इज पोजीशन अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी। नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तीसरा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या सर पोजीशन चेंज डिक्रीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, और हम ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी होता है, जीरो भी होता है। तो क्या ऐसा ग्राफ बन सकता है? यस, बन सकता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ सकता है, और यहां पर अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब है कि स्लोप, इस केस में अगर हम स्लोप देखें, स्लोप तो स्लोप कैसा होगा, तो स्लोप विल बी नेगेटिव, क्या सॉरी, स्लोप नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी को, कैसी वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। चलिए साहब, ये तो हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का हमें ये पता चल गया कि सर ये हमें इसका स्लोप डिस्प्लेसमेंट देता है, और स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है, और इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। अब आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्पीड इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी होती है, कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। तो अगर मान लो ये स्पीड टाइम ग्राफ, वी टी ग्राफ ऐसा है, तो इसका मतलब है कि स्पीड इज कॉन्स्टेंट, राइट। अच्छा, दूसरी बात ये है शिफत जी, कि इसके अंडर अगर कोई एरिया ले ले हम, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, तो एरिया विल बी इक्वल टू, एरिया विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, मतलब एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस, चाहे वो ग्राफ जैसा भी हो बेटा। मैंने सिंपली जो टर्म यूज किया, मैंने यूज किया कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस। मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं बोला कि ऐसे शेप की एरिया होगी तभी डिस्टेंस पता चलेगा, राइट। मैंने सिंपली आपसे कहा कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर होगा तो उसका एरिया जो है वो आपको क्या बताएगा, तो दैट विल गिव यू द डिस्टेंस। अब वो चाहे वो ग्राफ जैसा भी हो, ठीक है, उसका अपने को एरिया निकालना है। अब अच्छा, अब आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, दूसरा केस, ये ऐसा हो इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर ग्राफ ऐसा हो v वर्सेस t का ऐसे, तो इसका क्या मतलब होगा, स्पीड इज डिक्रीज, ठीक है। याद रखो बेटा, स्पीड डिक्रीज भी कर सकती है, स्पीड इंक्रीज भी कर सकती है, बट स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये ग्राफ नेगेटिव पोर्शन में नहीं जा सकता, नोट कर लो। हो गया नोट, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ, velocity time graph, more or less it looks like same or that of speed time graph. ये velocity time ऐसा, तो आपको मालूम है कि velocity constant। अच्छा, velocity time graph के अंदर अगर मैं area ले लूं, area under velocity time graph gives both displacement and distance। मतलब अगर आप velocity time graph के अंडर में जो भी एरिया वो कैलकुलेट कर लेंगी, तो आपको डिस्टेंस भी पता चल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों चीजें आप पता कर सकते हैं। बट एक बात का ख्याल रखना कि अगर मान लो कि अगर आपका कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बना, जस्ट टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, अगर मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनाया जस्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर आप इस पहले वाले पोर्शन को देखें तो इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड, दूसरे वाले पोर्शन को देखें तो इट इज ऑन द नेगेटिव साइड,
ये वाला अगेन आउट ऑन द पॉजिटिव साइड. इफ इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो इसके अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिखूंगा एरिया वन माइनस ऑफ एरिया टू प्लस ऑफ एरिया थ्री. ठीक है, माइनस क्यों लगाया? बिकॉज जिस रीजन में वेलोसिटी नेगेटिव है उस रीजन का डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है ना. डिस्टेंस अगर मैं लिखूंगा डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे एरिया वन प्लस ऑफ एरिया टू प्लस ऑफ एरिया थ्री. समझ में आया? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इसलिए जो पार्ट ऑफ द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो नेगेटिव साइड में है, उस पार्ट का आप इमेजिन करो कि यू आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पार्ट. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि मॉड्यूलस ले रहे हैं हम उसका, मतलब अगर वो नेगेटिव है तो उसका हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव. समझी? और ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप दोनों निकाल सकती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, प्रोवाइडेड कि अगर कोई पोर्शन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव साइड पे है तो उसके लिए, नेगेटिव साइड पे भी है तो उसके लिए हम उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, हम उसका मॉड्यूलस लेंगे. अच्छा, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा केस. तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक तो चीज हमने जो लिखा यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिखा. दूसरा, अगर हम यहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करें, कलेक्ट करें, तो हम लिख सकते हैं देखो इसका भी अगर मैं स्लोप ले लूं थीटा. ठीक है, तो इसका भी अगर मैंने स्लोप ले लिया, तो इसका अगर मैं टैन थीटा लिखूं, टैन थीटा दैट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, तो यहाँ पर जो टैन थीटा दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन. समझ में आई बात? वेलोसिटी इंक्रीज करिए तो एक्सेलरेशन तो होगा ना छोटी. हाँ. तो स्लोप यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन बताएगा. इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें पता कर सकते हैं, एरिया हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और उसी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन बताएगा. ठीक है, तीसरा केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऊपर से नीचे भी आ सकता है. ठीक है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी जा सकता है. ठीक, तो दिस इज द डिस्कशन बेस्ड ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द लास्ट डिस्कशन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. हो गया. अब देखो इसी में अगर आपको, इसी में अगर आपको कभी मैं कह दूं v is equal to u plus kt का ग्राफ बनाओ, where v is velocity, u is initial velocity, a is acceleration, where a is acceleration and constant, and t is time. इसका ग्राफ अगर बना तो कैसा बनेगा? वेलोसिटी एक्चुअली में देखो ये वेलोसिटी टाइम का ही तो रिलेशन है बच्चे. दिस ग्राफ दैट यू हैव टू ड्रॉ इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेयर इफ यू मेक टी जीरो वेलोसिटी विल नॉट बी जीरो. मतलब अगर आप इस ग्राफ में देखें तो टी को अगर आप जीरो कर दें तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई या नॉन जीरो रही? नॉन जीरो रहेगी, यू पर डिपेंड करता है ना, इस केस में तो नॉन जीरो है. तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो ग्राफ देख के एक बात समझ में आ जानी चाहिए बच्चे कि वेलोसिटी टाइम इसका जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है. देखो पावर वन है ना, तो रिलेशन कैसा हुआ? लीनियर. और लीनियर रिलेशन होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, अच्छा इस पे अगर देखो जब टी जीरो है तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है क्या बेटे? टाइम को जीरो रखो इसमें तो वी की वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी आई? यू. यू इसका मतलब जब t जीरो है तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये ग्राफ ऐसे कुछ स्टार्ट होगा ऊपर से, तो इंटरसेप्ट आएगा इस. नहीं समझे? नहीं, क्योंकि वो v के वेलोसिटी जीरो नहीं हुई टाइम के जीरो होने पे, इसलिए इंटरसेप्ट आया उसमें. इंटरसेप्ट आया उसमें. Moving on.
नेक्स्ट ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, हम लोग जिस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ मोशन वोशन पढ़ते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि भाई एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है. तो पहला केस ये हो सकता है कि अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लो और ये ग्राफ बने, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? एक्सेलरेशन टाइम के साथ कॉन्स्टेंट है या वेरी कर रहा है? जी तो एक्सेलरेशन इस केस में कॉन्स्टेंट है. अब मैं इसमें आपको दूसरी बात समझाता हूँ कि अगर इस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के अंदर में आप एरिया कंसीडर कर लो, कोई सी भी एरिया कंसीडर कर लो, तो अगर आप इस केस में एरिया कंसीडर करेंगे तो एरिया विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी. एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू द चेंज ऑफ वेलोसिटी. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी दैट विल बी गिवन बाय दिस एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है, तो दिस इज विल बी सिंपली चेंज इन वेलोसिटी, नॉट द वेलोसिटी बट चेंज इन वेलोसिटी. दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि ग्राफ ऐसा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो ये अपना स्ट्रेट लाइन ऐसे बना सकते हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. तीसरा, एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग के केस में आप ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन है, बट इस केस में और इस केस में हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो इन दोनों केसेस में वी कैन नॉट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन इज ओनली एप्लीकेबल टू द फर्स्ट केस. बिकॉज एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम ना. इस वाले में एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है और थर्ड वाले में एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है. तो चाहे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते. ठीक है सर, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट. तो ये तो हो गया सर हमारा लीनियर रिलेशन के साथ, मतलब जब हमारा मोशन यूनिफॉर्म है उस केस में. ठीक है, और अच्छा इसमें इसी यूनिफॉर्म मोशन में एक और चीज हम देखते हैं सर, मतलब व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अगर मान लो कि हमारा मोशन एक्सेलरेटेड है और एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और इन अदर वर्ड्स कांस्टेंट है, तो उस केस में बच्चे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, उस केस में मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को फिर से एक बार चेक करूं. देखो एक बात तो क्लियर है कि हमें एक बात पता है सर कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और वो स्ट्रेट लाइन के केसेस हमने देखे, बट उन सारे केसेस में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक्सेलरेशन वो जीरो. डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन तब बनता है जब एक्सेलरेशन जीरो. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो v इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो v को हम d बाई टी लिख सकते हैं बेटा, या d को हम वी टी लिख सकते हैं. तो d और t का रिलेशन लीनियर है या नहीं है? इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा इन केसेस में. लेकिन अगर मान लीजिए कि मोशन एक्सेलरेटेड है, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. क्यों सर? क्योंकि इस केस में अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो आप लिखेंगे x is equal to ut plus of half at square. इसी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखेंगे ना, या आप लिखेंगे x is equal to ut minus of half at square, या आप लिखेंगे x is equal to half at square, कुछ भी लिखे हैं आप, तो आपको नहीं लगता कि x और t का जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक है? और जब भी क्वाड्रेटिक रिलेशन आएगा तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला. तो वैसे यहां पर ग्राफ पैराबोलिक होगा. इस केस में अगर आप देखो ये जो भी इक्वेशन मैंने लिखा है तो ऑब्वियसली बात है ग्राफ पैराबोला होगा. और यहां पर अगर आप देखो तो इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है बेटे. ठीक है, मतलब हुआ नॉन जीरो. अब देखना ध्यान से मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक देख.
ये ग्राफ पैराबोला है और इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा मतलब पैराबोला, बट इट विल नॉट टच द टाइम एक्सिस इनिशियली एट एनी पॉइंट. ओहो ठीक से बन जाएगा. It will not be touching the time axis at any point. Why it is not touching the time axis? Because हमें मालूम है कि displacement time graph का slope gives you velocity. बोलो हाँ कि ना? Displacement time graph का slope velocity बताता है. तो इस initial position पे अगर ये time axis देखो, इस बात को समझो. अगर ये initial case में if it would have been touching the time axis, मतलब ऐसा ये time axis को touch कर जाए, तो इसका मतलब है कि अगर आप इस पर टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा या नहीं होगा, सोच के देखिए. हाँ. नहीं समझिए, जबरदस्ती तो जीरो हुआ ना, शुरुआत में जीरो हुआ, बिल्कुल सही बात है. शुरुआत में अगर जीरो हुआ आगे इसका मतलब है कि, हाँ शुरुआत में अगर जीरो हुआ इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. हाँ. बट इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो नहीं है, मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो, राइट. U is non-zero, मैं लिख भी देता हूँ. तो initial velocity अगर non-zero है, तो slope should never be zero. इसका मतलब है कि initially the slope cannot be zero और initially the graph cannot touch the time axis ताकि उसका slope zero हो पाए. इसीलिए graph ऐसे उठा है. समझी? हाँ जी समझी. बहुत बढ़िया. इसी में अगर मैं दूसरी बात करता, x is equal to simply half a t square लिखता, मतलब initial velocity zero. ठीक है. तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो x वर्सेस t का अगर अपन ग्राफ लेंगे इस केस में, तो यहां पर आप टाइम एक्सिस पर टच कर सकते हैं और उसके बाद ऊपर जा सकते हैं. ठीक. हो गया सर? हाँ हो गया. अच्छा अब ये जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मोशन एक्सेलरेटेड है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, हमेशा पैराबोला होगा, ये याद रखने वाली. और मोशन नॉन एक्सेलरेटेड है, इफ इट द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. तो अब मैं सबको समराइज कर देता हूँ एक बार फिर से कि आपको मैं एक बता चुका हूं. अच्छा एक बात याद रखना कि जब भी इस कंडीशन में आप पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो हमेशा याद रखो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, हम साथ साथ स्पीड और वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. अच्छा. तो हमें स्पीड और वेलोसिटी को भी जस्टिफाई करना होगा फॉर आर ग्राफ. वो भी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में चीजें सिखाऊंगा, बट मैं आपको सारी बातें समराइज कर दूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, और स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर में अगर मैं एरिया ले लूं तो डिस्टेंस पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट के अंडर में एरिया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अंडर में मैं एरिया ले लूं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में एरिया ले लूं तो डिस्प्लेसमेंट पता चलता है. हाँ. है ना. और एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर में एरिया ले लूं तो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू पता चलती है. ठीक है. अच्छा अगर मोशन नॉन एक्सेलरेटेड है, उसमें कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो वी और टी का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, सबका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो फिर वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, बट बाकी जो ग्राफ है, मायरा खान जी, मतलब मायरा खान कह रहा हूँ, शिफत, हाँ शिफत सॉरी, हाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो उस ग्राफ, उस केस में ग्राफ पैराबोला होगा, राइट. तो ये सारी बातें आपको पता चल गई, अब सारी चीजें पता चल गई, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं. ठीक है. तो पहली जो वैरायटी होगी अनडाउटेडली दैट वुड बी इजी वैरायटी. एंड इजी वैरायटी का क्या मतलब कि सर मैं आपको ग्राफ दे दूंगा, उस पर कुछ प्लॉट दे दूंगा, उसमें या तो डिस्टेंस निकालना होगा या कुछ निकालना होगा. ठीक है. तो वो एक इजी वैरायटी है. दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो सिचुएशन पे ग्राफ हो सकता है. आपको कोई सिचुएशन दे दी गई और उसमें चार नीचे ग्राफ दे दिए गए और उसमें चार में से किसी एक करेक्ट वाले को चूज करना है, तो दूसरी वैरायटी हो सकती है. ठीक है.
तीसरी वैरायटी ये हो सकती है कि एक फॉर्म ऑफ ग्राफ आपको गिवन है और उसको आपको दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया और आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा ये पूछ लिया, या फिर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया और आपसे पूछ लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया और एक्सेलरेशन टाइम पूछ लिया कैसा होगा, तो ये भी एक वैरायटी है, राइट। एक और वैरायटी है, फोर्थ वैरायटी जो नीट में नहीं आती तो मैं कराऊंगा भी नहीं, वो जेई में आती है तो जेई के बच्चों को कराते हैं कि अगर मान लीजिए कि अभी जितने भी हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसमें सारी जो क्वांटिटीज हैं, चाहे वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी क्वांटिटीज, ऑल ऑफ दिस क्वांटिटीज वी हैव ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। अगर ऐसा हो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं बनाना हो, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना हो, तो फिर ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो ये भी एक वैरायटी है, बट नीट में ये नहीं आता, नीट में दूर दूर तक ये नहीं आता, तो उसपे हम नीट में, तुम नीट के लिए तैयारी कर लियो तो उसपे बात नहीं करेंगे, है ना, जो जो जेई की वो जेई में बात करते हैं हम लोग, बट बाकी जो तीन वैरायटी बताया वो आपके नीट में पॉसिबली आते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, तो उसपे हम बात करते हैं। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन बेटा, कि जैसे मान लो कि मेरा एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये, x velocity versus time graph, और आपसे ये बोला गया कि सर ये ऐसा ग्राफ ये 0 t0, ये 2 t0, यहां पर की जो velocity है that is b, यहाँ पर की जो वेलोसिटी दैट इज आल्सो v बट विद अ नेगेटिव साइन अनडाउटेडली। आपको बताना है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राफ इन टोटल एरिया निकालेंगे, बिल्कुल करिए, टाइम ऑफ 2 t0। Then, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ना, मतलब बिल्कुल, t0 v upon 2 plus 2 t0 minus 2 t0 v t0 v upon 2 minus 2 t0 v t0 v minus 3 t0 v upon 2
माइनस थ्री टी नॉट वी अपॉन टू, ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है? तो बड़ा अजीब सा आंसर आया है। कितना? माइनस थ्री टी नॉट वी अपॉन टू। थ्री टी नॉट वी अपॉन टू किसका? डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट मेरे हिसाब से तो छोटी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो है। कैसे? अभी बताते हैं कैसे। मुझे एक बात बताइए, जीरो से टी नॉट, ठीक है? हाँ। इस वाले पोर्शन को अगर आप देखें तो दिस इज ऑन द पॉजिटिव साइड, हाँ। और टी नॉट से टू टी नॉट वाला पोर्शन देखिए तो इट इज ऑन द नेगेटिव साइड। पहला पॉइंट तो ये, तो इस वाले ट्रायंगल को अगर आप देखो, इस वाले ट्रायंगल को, हाँ। इस वाले ट्रायंगल को देखो, तो इसमें हाइट इज वी एंड बेस इज टी नॉट, राइट? तो इसकी एरिया क्या होगी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें बेस कितना है? टी नॉट से टू टी नॉट, मतलब कितना होगा टी नॉट, और इसकी हाइट कितनी लिखी जाएगी? माइनस ऑफ वी, बिकॉज यू आर राइटिंग डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ इंटू, सॉरी, हाफ इंटू टू टी नॉट माइनस ऑफ टी नॉट इज टी नॉट इंटू हाइट माइनस ऑफ वी, यही तो होगा। आपने ये किया? हाँ, हाँ. अच्छा, आपने ये किया तो दोनों को एड करेंगी तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो जाएगा? अगर आपने ये किया है, मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे गड़बड़ की, यहाँ पे मैंने टू टी नॉट ही लिया, उसको टी नॉट नहीं लिया नेगेटिव वाले में, बेस गलत लिया। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो दिस इज टी नॉट से टू टी नॉट, तो बेस की लेंथ तो सर सिर्फ टी नॉट आएगी, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं डिस्टेंस निकालू तो मुझे बताओ शिफर, डिस्टेंस में क्या डिफरेंस आ जाएगा? वैसे तो स्ट्रेट लाइन में कोई वो नहीं आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है तो कोई वो चेंज नहीं आना चाहिए डिस्टेंस। पहली बात तो शिफत, ये बहुत, मतलब ये बहुत बेकार सा रिस्पांस। ग्राफ डजंट रिप्रेजेंट पाथ, कंफ्यूजन में मत आइए। ग्राफ पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करता कि ये स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रही है। पाथ स्ट्रेट लाइन पे भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग हो सकता है भाई। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इधर से इधर गया, ठीक है, और फिर लौटने लग गया, ठीक है, लौट के वहीं पहुंच गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा शिफर? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा और डिस्टेंस भी जीरो होगा क्या? नहीं। नहीं तो फिर क्यों दिमाग लगाया आप? आपको अगर सर यहाँ पर तो स्ट्रेट पाथ, फिर पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ग्राफ डजंट रिप्रेजेंट पाथ, पहला पॉइंट। ग्राफ जस्ट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको ग्राफिकली भी देखना चाहती हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जाते 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 यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हुई है या नहीं? वेलोसिटी देखो तो हाँ हुई है, हुई है। तो अगर हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये मैंने समझाया था आपको पहली या दूसरी क्लास में, कि जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाए अगर उसके बाद भी मोशन कंटिन्यू है तो याद रखो कि मोशन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जैसे आप किसी बॉडी को ऊपर फेंको, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर रिटर्न होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो ही तो ये रिटर्न हो रहा है ना, तो जब रिटर्न होने लगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो सकते। तो देखो मैंने जो समझाया था वो क्या समझाया था, ये वाला एरिया पॉजिटिव है तो स्पीड डिस्टेंस निकालने के लिए ये लिखेंगे हाफ वी टी नॉट, और ये वाला एरिया कैसा है? निगेटिव, बट बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस जो निगेटिव में है उसको भी आप कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव। तो रिजल्ट तो मेरे हिसाब से वी टी नॉट आएगा। नहीं समझी आप? नहीं समझी समझिए आप एक। अच्छा समझिए, हाँ डबल, ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक, नेक्स्ट फिर से आप ट्राई करेंगी।
I think you can see this graph. Speed axis पे दो अलग अलग स्पीड आपको दिख रही है. One is 4 and another one is 8. और time axis पे different time आपको दिखाई दे रहा है. आपको simply इस graph से distance निकालना है. You just have to find the distance from the given graph, from given speed time graph. हाँ छोटी, हो गया? बस हो गया. फोर प्लस फोर टेन एट प्लस एट प्लस फोर प्लस एट थर्टी टू. ओके तो आया है मेरा डिस्टेंस. हाँ थर्टी टू. आ गया 32 मीटर आया मेरा तो. 32 आया आपका. चलो देख लेते हैं. सर आपने इसको देखो, आपने क्या किया, एरिया निकाला. अब एरिया अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपकी जैसे मर्जी वैसे निकाल लें. ठीक है, तो इसको आप एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट किया होगा आपने. हाँ. चलिए तो डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, और एरिया इज इक्वल टू ए वाला ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. टू इंटू हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू 2 है, इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी 4. उसके बाद ये रेक्टेंगल, ये वाली लेंथ 2 हो गई बेटा. ठीक है, तो 2 इंटू 4. ठीक है, उसके बाद प्लस, इसको पूरा डायरेक्टली आप लिख सकती हैं ट्रापीजियम. ट्रापीजियम का नाम सुना है? हाँ. ये ट्रापीजियम है, अगर इस शेप को देखो. ठीक है, ट्रापीजियम होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड कौन है? ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है. ठीक है, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 4 प्लस ऑफ 8 इनटू हाइट. 4 और 2 के बीच का कितना? 4 और 6 के बीच का 2. ये वाला हाइट बेटा मतलब ये जो पैरेलल साइड है इनके बीच का सेपरेशन. नहीं समझी आप? समझी? हाँ, नहीं. और लास्ट करा नहीं था. और लास्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाँ इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस की वैल्यू कितनी? 6 से 8 तक तो 2, और हाइट की वैल्यू कितनी? तो हाइट की वैल्यू 8. अब जो भी सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, प्लस ऑफ 8 हो गया, प्लस ऑफ 2 से 2 कैंसिल, 8 12 हो गया, प्लस ऑफ 2 से 2 कैंसिल, फिर से 8 हो गया. ठीक है, तो 16 4 20 32 मीटर. यही है आपका? हाँ, 32 है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हम्म.
एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मान लीजिए 4 सेकंड्स, ये मान लीजिए 6 सेकंड्स. आपको बोला गया कि इफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू जीरो इज 4 मीटर पर सेकंड, फाइंड वेलोसिटी एट 6 सेकंड्स. आपसे बोला गया कि अगर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो इज 4 मीटर पर सेकंड, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 6 सेकंड्स. एरिया जो होता है डेल्टा वी होता है हमारा. वेलोसिटी एट जीरो इज 4 मीटर पर सेकंड. इसका भी आंसर 32 आ गया. देख लेते हैं. देखिए, हमने ये बताया था कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर होगा तो उस केस में एरिया अंडर जो ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी, है ना. तो यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं. तो फिर से बेटे ये ट्रापीजियम है, अगर ध्यान से देखो ये पूरा एक बार में मैं निकाल सकता हूँ कि ये पूरा ट्रापीजियम है. जब भी दो साइड्स पैरेलल और दो साइड नॉन पैरेलल दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वो पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ ट्रापीजियम. ठीक. तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है सर? ये वाली पूरी की पूरी साइड और ये ऊपर वाली साइड, है ना. तो ये पूरी साइड की लेंथ, नीचे वाली की पूरी लेंथ 6 है और ऊपर वाली की लेंथ कितनी होगी? 4. ठीक है. तो 6 + 4 = 10 मल्टीप्लाइड बाई हाइट. हाइट मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच का सेपरेशन, दैट इज 6. ठीक है. This is equal to change in velocity. That is v final minus v initial. और v initial कितना है? 6. तो ये कितना हो गया? 5. तो ये 30. तो v final की वैल्यू मेरे हिसाब से 36 आ रही है बेटा. हाँ, 36. ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. एक बेहतर सवाल की ओर आते हैं. एक बढ़िया सा सवाल है, वही सारे कॉन्सेप्ट बट थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली और थोड़ा मैथमेटिकली इसको मैं सवाल को थोड़ा अच्छा कर दूंगा. तो देखिए, सवाल ये है सर आपका कि आपसे सवाल में ये बोला गया कि मान लीजिए ये फिर से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, लेट्स, और आपको बोला जा रहा है कि सर ये ग्राफ ऐसा है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे. ये वैल्यू ऑफ टाइम इज जीरो,
यहाँ पर द वैल्यू ऑफ टाइम इज कुछ भी मान लो टू है, यहाँ पर की वैल्यू ऑफ टाइम नहीं पता, नहीं दिया मैंने, ये टू, ये सिक्स है, ये एट है, दीज आर द टाइम इन सेकेंड्स एंड द एक्सलेशन इज गिवन एज, यहाँ पर एक्सलेशन मान लो के 4 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और यहाँ पर जो एक्सलेशन है दैट इज ऑल्सो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं मैं फिर से बदलूंगा इसको, ये ऊपर 4 नहीं बल्कि 6 ले लो, ऊपर इट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस वाले को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपसे बोला कि एट t इक्वल टू जीरो v इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, तो पता नहीं v फाइनल की वैल्यू कितनी है, ठीक है, मतलब t जीरो पर v इनिशियल जीरो है तो v फाइनल की वैल्यू 8 सेकेंड्स पे कितनी होगी एट t इक्वल टू जीरो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट करिए, मिल के करते हैं सॉल्व, नोट कर लिया मैंने क्वेश्चन, कर लिया आपने, चलो करते हैं सॉल्व। बेटे प्रॉब्लम जानते हो क्या है यहाँ पर, हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर होगा तो हमें मालूम है कि एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, एम आई राइट, चेंज इन वेलोसिटी, हां है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालने का आपको ये पता है कि भाई एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, और एरिया अंडर द ग्राफ निकालने का मतलब ये वाली एरिया और ये वाली एरिया, ठीक है भाई शिफत जी, हां जी, और ये अपने आप में एक ट्रायंगल है तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, नीचे वाला भी ट्रायंगल है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें ये वाली लेंथ नहीं पता है। देखो ये वाले पॉइंट का अगर मुझे कोई कोऑर्डिनेट बता दे कि ये कितना है, जैसे मान लो अगर ये 4 है या 5 है, कितना है, अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकता हूं, बट ये मुझे नहीं पता है, तो बस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज बस ये करी गई है मैथमेटिकली कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, अब इसको फाइंड करना है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आई होप इतना इतनी मैथमेटिक्स आपको शायद समझ आ जाएगी। सर आपने क्लास 10th में शिफत आपने सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स, और सिमिलर ट्रायंगल देखो ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और नीचे वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर है, द रीजन बीइंग कि भाई ये एंगल 90 है, इसमें भी ये एंगल 90 है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में हमेशा याद रखिएगा शिफत जी कि साइड्स के रेशियो जो होते हैं ना, साइड्स के रेशियो, साइड का रेशियो वो इक्वल होता है, क्या होता है, वो इक्वल होता है। चलो अब इसमें कुछ चीजों को हमें कहीं पर कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, और क्या मानेंगे वो देखिए, यहां से यहां तक की लेंथ देखो, मैंने जहां दो ब्लू डॉट बनाया है ये और ये पूरी लेंथ 4 है या नहीं है बेटा, बेटे क्या हुआ, नहीं कर रहा हूं, ये 4 है, कराऊं कि नहीं कराऊं, कराओ 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 कराओ, अच्छा तो ये 4 है और मान लो कि ये वाली जो लेंथ है वो x है, मान लो तो इस वाली लेंथ को हम 4-x कह सकते हैं, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को अब देखिए, इस वाले ट्रायंगल को ये जो आधा ट्रायंगल दिख रहा है आपको और ये आधा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर मान लो, पूरा भी सिमिलर है, आधे को सिमिलर मान लो, तो सिमिलर में मैं ये कह सकता हूँ साइड्स का रेशियो, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन 4-x, मतलब ये इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल के इस वाली साइड दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 4, मतलब इसका ये वाला साइड, समझ नहीं आप, बेस और दोनों के हाइट का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, ये हमें सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताता है, जिसका मतलब x अपॉन 4 x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ऊपर नीचे काट दिया, इसको हम यहां से लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3 × 4-x, राइट शिफत, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस ऑफ 3x, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 12
और x is equal to 12 by 5. यहां तक समझ में आई बात? हाँ. इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा इस वाले पॉइंट का? तो सर यहाँ ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 है और उसमें x और ऐड करो तो इस पॉइंट पे पहुंचोगे. तो नहीं आया 2 + 12 = 5? मतलब ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 है, इसमें ये लेंथ और ऐड करेंगे और ये लेंथ कितना है x, x की वैल्यू कितनी है 12/5, तभी तो ये पॉइंट, तभी तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा. मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 2/12/5, इसका मतलब 5 × 2 = 10, तो 22/5 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब 4 से थोड़ा सा ज्यादा. समझ गई? पहले यहां तक नोट करो तो एरिया निकालते हैं. अब सुनिए, देखिए ये इस पॉइंट का हमें मतलब यहां से यहां तक हमें पता चल गया कि ये पूरी जो लेंथ है शिफर, ये पूरी जो लेंथ है बेटा, ये पूरी लेंथ ये कितनी हो गई 22/5, 0 से 4, है ना. इस ट्रायंगल, अब एरिया लिखते हैं. एरिया मतलब चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल विल बी इक्वल टू हाफ इनटू बेस, बेस की वैल्यू कितनी 22/5 इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी 6. ऊपर वाले का मतलब समझ आ गया? काम क्लियर? हाँ, हो गया ऊपर वाला का. ऊपर वाले का तो हो गया. अब आते हैं इस नीचे वाले ट्रायंगल पे. ये मुझे टोटल लेंथ देखनी पड़ेगी, ठीक है. तो अब देखो नीचे वाला ट्रायंगल नीचे है और एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर. वेक्टर, तो जो पार्ट नीचे है उसके साथ पहले पहला काम तो ये कि माइनस लगा दीजिए. समझी? हाफ इनटू बेस. अब बेस क्या होगा इसका, देखना देखना शिफर, जहां नहीं समझ में मुझे बताना. ये 4 - x है ये वाला पार्ट, और ये वाला कितना होगा, और यहाँ पर ये 6 है, और यहाँ पर वेरी गुड ये 2 है, ठीक है. इसका मतलब ये कितना होगा 4 - x + 2, यही लिखेंगे आप? जी बिल्कुल, ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी 4, क्योंकि मैंने माइनस पहले यूज कर लिया तो दोबारा नहीं करना. और इनिशियल कितना है, इनिशियल की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी फाइनल की वैल्यू कितनी होगी, ये 2/11 मतलब ये 66/5 ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है. ये 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा -4 × 4 - x, 4 - x आपने, अच्छा इसको मैं 6 - x भी लिख सकता हूँ, यस 6 - 12/5. अब ये पूरा सॉल्व वॉल्व कर सकते हो आप? हाँ कर सकते, ठीक है. अब ये जो भी सॉल्व करके आएगा उससे आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं. सो दैट विल गिव यू द फाइनल वेलोसिटी. इसे जो भी सॉल्व करके आएगा यू विल गेट दैट फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम दैट. समझी आप? हाँ जी. नोट कर लीजिए. ठीक है, हो गया. तो ये तो हो गया सर वन ऑफ द फॉर्मेट इन विच वी हैव सीन हाउ टू यूज द फॉर्मूलाज या हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ फॉर डिस्टेंस और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो सब अपने को दिखाए. तो ये एक फॉर्मेट था. दूसरा फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन ये है कि सर मैं सिचुएशन पे ग्राफ समझा दूं आपको. एक दो ग्राफ सिचुएशन पे समझ लेते हैं. जैसे मान लो कि सर मैंने आपसे ये बोला कि सर मैं आपसे एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि लेट से कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने किसी बॉडी को, बच्चे मेरे मेरे प्यारे, मैंने किसी बॉडी को यहाँ से ऊपर फेंक दिया एंड लेट दिस बी द ओरिजिन, ठीक है. इस बॉडी को मैंने नीचे से ऊपर फेंक दिया तो बॉडी ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद किसी समय के बाद आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन हिट बैक द ग्राउंड, ठीक है. और अगर मैं एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, जो कि हम नहीं करते हैं, तो जितनी वेलोसिटी से हम बॉडी को फेंकेंगे उतनी वेलोसिटी से बॉडी नीचे आएगी, और एक ऐसा
वेरी गुड. और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और सर हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो हाइट है वो कुछ भी होगी एच, तो ये वाली हाइट भी होगी एच, इसमें कोई शक वाली बात नहीं. अब आपसे अगर बोले कि इस पूरी सिचुएशन के लिए, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन टू बैक टू दिस ऑरिजिन, इस पूरी सिचुएशन के लिए आपको आपको बोला गया ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ. फॉलोइंग ग्राफ कौन कौन से फॉलोइंग ग्राफ भाई? सारे ग्राफ ड्रॉ करने हैं. मतलब कौन कौन सा? पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है आपने, डिस्टेंस टाइम. दूसरा क्या ड्रॉ करना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम. तीसरा क्या ड्रॉ करना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के बाद तीसरा स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम. चौथा वेलोसिटी टाइम. यस, वेरी गुड. और लास्ट वन इज फिफ्थ वन, एक्सेलरेशन टाइम. All of these graphs we are supposed to draw. Write the question. Okay, for a body thrown from the ground, draw all the graphs for the whole journey of the body. ठीक है, मतलब इस पूरी जर्नी के लिए we have to draw the graphs. नोट कर लिया क्वेश्चन, हम लोग मिलकर करेंगे सॉल्व. बहुत बहुत बढ़िया. अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं. अब देखिए बेटा, पहली बात मेरे को एक बात बताओ शिफात, कि ये जो मोशन है इस बॉडी का, इज इट एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड? आपने बॉडी को ऊपर फेंका, बॉडी ऊपर से नीचे आई है, तो दिस होल मोशन ऑफ द बॉडी इज इट एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड? एक्सेलरेटेड. ऑफ कोर्स एक्सेलरेटेड. एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस बेटा? What acceleration is acting on the body? Gravity. Gravity. है ना, acceleration due to gravity. Gravity. ठीक है, और ये acceleration due to gravity तो constant होता है. तो आप शिफत, आप देखूं मैं कि कितना आपको याद रहा अभी जो मैंने चीजें समझाई थी. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि acceleration यहाँ पर gravity का है, और gravity का acceleration constant है near the surface of the earth. तो मुझे एक बात बताइए, मतलब ये acceleration constant है तो distance time graph या displacement time graph straight line बनेगा या parabola बनेगा? कैसा graph बनेगा ये? नहीं, याद रखना आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोथ विल बी पैराबोलिक. व्हाई? बिकॉज़ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अभी बताया था ना, एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो टाइम और एक्स का जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है? हाँ, क्वाड्रेटिक. तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोथ विल बी पैराबोलिक. समझी? हाँ. देखिए, सिर्फ पैराबोला बनाने से काम नहीं चलेगा. पैराबोला के कई सारे टाइप मैंने दिखाए थे आपको, कि ये भी एक पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है, और ये भी एक पैराबोला है. तो कौन सा पैराबोला किस इंस्टेंट पे हमें ड्रॉ करना है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, पहला पॉइंट. अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी डोंट हैव टू ओनली जस्ट शो द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन विद टाइम, बट एट द सेम टाइम वी विल हैव टू जस्टिफाई स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी. मतलब अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं तो आई विल हैव टू जस्टिफाई स्पीड आल्सो फ्रॉम दैट ग्राफ, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूं तो आई विल हैव टू जस्टिफाई वेलोसिटी फ्रॉम दैट ग्राफ. ठीक है, अब इस बात को समझो मैंने क्या बका ये सब. तो यहां देखो, बॉडी को जब आपने नीचे से ऊपर फेंका, व्हाट विल हैपन टू इट्स स्पीड? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज. तुम्हें नींद आने लगी, इसका मतलब क्या? इंक्रीज होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो कैसे होगा? नहीं, डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है, और स्पीड याद रखो कि इट्स स्केलर क्वांटिटी, तो ये इस पे कोई साइन का चक्कर नहीं है, वो हमेशा ही पॉजिटिव माना जाएगा. और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा स्पीड के साथ? इंक्रीज होगा, क्योंकि जीरो से बढ़ाना. ठीक है, जीरो से बढ़ाना. तो आप देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा पैराबोला लेना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ऐसा पैराबोला लेना है जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और डिक्रीजिंग हो पहले पार्ट. नहीं समझिए आप भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम जाएंगे, है ना, तो यहां से यहां तक जाने में
स्पीड, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऑब्वियस ही बात है. और कैसी क्या हो रही है स्पीड के साथ, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है ना स्पीड. एज यू गो फ्रॉम ए टू बी द स्पीड इज डिक्रीजिंग. तो हमें स्लोप कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और स्लोप के साथ साथ ये डिक्रीजिंग भी चाहिए. तो आपको मालूम है कि ऐसा कौन सा पैराबोला था, ये ऐसा, ठीक है, पीछे जो कराया था आपको. नहीं समझ रही है आप, नहीं समझ रही, कंफ्यूज हो गई शायद. हाँ, कंफ्यूज हो गई. कौन से पैराबोला पे स्लोप पॉजिटिव रहता है और डिक्रीजिंग रहता है? तो ये वाला पैराबोला है ना, इस पे कहीं पर भी टेंजेंट लीजिए आप, इस पे कहीं पर भी टेंजेंट लीजिए, तो थीटा कम नहीं हो रहा है नीचे से ऊपर जाने में. तो स्लोप पॉजिटिव भी और डिक्रीजिंग भी है. अब जब ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे आने में स्पीड के साथ क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज होगा. तो इसका मतलब स्लोप शुड बी इंक्रीजिंग, राइट? तो ये वाला पैराबोला जिसका स्लोप इंक्रीजिंग होता है और पॉजिटिव होता है. नहीं समझिए, ज्वाइन कर दिया दोनों को, जाहिर सी बात है, ये पूरा एक ही मोशन है ना, पूरा एक ही मोशन. तो पहले ये ऐसा वाला पैराबोला और उसके बाद ये ऐसा वाला पैराबोला, क्यों हुआ है समझिए आप, इसको समझना है. हाँ, समझ गई. मतलब रिवर्स भी तो जा रहा है, तो उसके लिए भी तो बनाना होगा. तो उसके लिए ऐसा ही क्यों बनाना होगा, ये बात समझी है? हाँ, इंक्रीज हो रहा है और हाँ नेगेटिव है. नेगेटिव है, नेगेटिव तो है. मैं कई बार ना बच्चों को मार भी देता हूँ. शुक्र मनाओ तुम ऑनलाइन में हो. ऊपर से नीचे आ रहे हैं, स्पीड तो स्पीड हमेशा बेटा पॉजिटिव रहता है. हाँ, है ना, इसीलिए डिस्टेंस टाइम अगर आपका स्लोप पर पॉइंट पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, स्लोप शुड बी पॉजिटिव. समझिए, ठीक है. अब आते हैं हम दूसरे ग्राफ पर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पहला पार्ट वैसा ही बनेगा जैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. देखो बेटा, क्योंकि जब आपने बॉडी को ऊपर फेंका है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और बॉडी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है बेटा. क्या बोलती हैं, है ना? तो पहला पार्ट तो वैसा ही बनेगा जैसा आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बनाया था. ये पहला पार्ट 100% समझना है बिल्कुल. अब दूसरे पार्ट में देखो, ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आने में व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी, ऊपर से नीचे आने में, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीज हो रही है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी. ऊपर से नीचे आने में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट वो वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी की नेगेटिव है ना, डायरेक्शन नेगेटिव हो गई. सर आपने ये बात स्पीड में क्यों नहीं नेगेटिव बनाया, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है. हाँ, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, राइट? लेकिन वेलोसिटी जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वेलोसिटी हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव. तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है बट नेगेटिव है. और हमें, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ऐसा वाला जो पैराबोला होता है उसमें ये स्लोप नेगेटिव आते हैं, ठीक है, और ऊपर से नीचे आने में ये इंक्रीज होता है. मतलब ये इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो ऐसा बनेगा. देखो, नहीं समझिए आप. हाँ, पूरा कंप्लीटली क्यों बना, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों बना समझिएगा, ठीक है. क्या बना उस समय मतलब नहीं है, ऐसा ही क्यों बना इससे मतलब है. क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आ रही हैं तो आपके ये जो स्लोप है वो नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज़ वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए ना सर. और इस वाले पे थीटा ग्रेटर देन 90 आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है स्लोप नेगेटिव है. पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है. दूसरा पॉइंट है, ये नेगेटिव में भी कैसा होगा, तो नेगेटिव में भी ये इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा. बात समझ आई? इंक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा. हाँ, इंक्रीज हो रहा है. और दूसरी बात, एक बात और समझो, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो, कि आपने ओरिजिन से फेंका था बॉडी को, वापस ओरिजिन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, नेट डिस्प्लेसमेंट? जीरो. जीरो. देखो, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ के यहाँ पर कुछ पहुंचा, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट घट के जीरो हो गया. नहीं समझी? नहीं, आखिरकार आया तो जीरो ही ना. हाँ, तो इसीलिए ग्राफ भी देखो, वाई एक्सिस यहाँ पर पहुंच के वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई. जीरो हो गई. जल्दी नोट करो, जल्दी दे रहा हूँ, खट से अब, खट से कर लिया मैंने. अरे वाह. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्पीड टाइम ग्राफ. देखो सर, स्पीड टाइम ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहे हैं, छोटी नीचे से ऊपर जा रहे हैं. यहां से हमने कुछ स्पीड दिया था, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, स्पीड बढ़ी घटी?
नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, स्पीड बड़ी घटी घटी, ठीक है, घटी घटी घटी, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्पीड बड़ी घटी, बड़ी 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 बड़ी, ऐसा खुपच और फिर ऐसा खुपच, समझी? चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, अच्छा स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहा बिकॉज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी के साथ देखो, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, घट गया, घटते घटते इस पॉइंट पे कितना हो गया, जीरो। अब इसके बाद ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ऊपर से नीचे, बढ़ेगी बढ़ेगी, बट वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव में खिसकेगी ये, समझी? ये स्पीड की तरह ऊपर नहीं चला जाएगा, अगर ये स्पीड की तरह अगर ऊपर कर दोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड की तरह अगर इसको ऊपर कर दिया, इसका मतलब है कि ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है नीचे आने में, जबकि वेलोसिटी नीचे आने में नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, तो इसलिए हमें इसको नेगेटिव पोर्शन में दिखाना होगा। क्लियर हो गया बेटा? कर लिया नोट आपने? हाँ कर लिया। अरे वाह, लास्ट ग्राफ कौन सा ग्राफ लास्ट? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन मुझे बताओ, पूरे मोशन के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल? एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट, और कांस्टेंट मतलब स्मॉल जी, यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन है? स्मॉल जी, और स्मॉल जी हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव छोटी? नेगेटिव। बस ये आ गया ग्राफ, ये हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि जी हमेशा नेगेटिव रहता है, वो तो फालतू की बातें हैं किताबों वालों की, मतलब ऊपर फेंका तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा वो बकवास बातें हैं, जी हमेशा नेगेटिव रहता है।